दूसरा गिरा बिस्तर, जाडेजा को एक बेहतरीन फिनिशर मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में अहमदाबाद के लाजवाब मैदान पर समाप्त हो चुका है। दोस्तों पहले पहले बाजी करते इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की तरफ से 54 रनों की शानदार पारी खेली थी विद्यमान साहा ने और 56 रनों की लाजवाब पारी खेली थी साई सुदर्शन ने, जिसके चलते 214 रन बना दिए थे गुजरात टाइटंस की टीम ने। ऐसे में मैच बारिश के कारण रुक गया था, 15 ओवर का किया गया था, 171 रन का टारगेट था। ऋतुराज गायकवाड 26 रन बनाकर आउट हुए थे, उनके बाद दिव्यांग गोंडवे 47 रन बनाकर आउट हुए थे। शुरुआत अच्छी मिलने के बावजूद भी मध्यक्रम में अच्छी बल्लेबाजी रही, रहाने भी 27 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन झटका तब लगा था जब मैदान पर आउट हुए थे अंबाजी रायडू, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। 200 अंतिम दो ओवर खेलने आए सर जडेजा, शुरुआती ओवर तो इन्होंने अच्छा खेला, लेकिन बात आ गई थी आखिरी ओवर की। 200 आखिरी ओवर की शुरुआती चार गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ मोहित शर्मा ने जाडेजा और शिवम दुबे को चार सिंगल दिए और दो गेंदों पर 10 रन की दरकार थी, स्ट्राइक पर थे सर जाडेजा, गेंदबाज थे मोहित शर्मा। गलती से भी गेंद आउट हो जाती तो चेन्नई हार जाती मुकाबला, लेकिन सर जाडेजा ने क्रीज के सामने ठहर कर बड़ा शॉट खेला। इस तरीके से पूरी तरीके से उन्होंने बैट कर बल्ले को घुमाया, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के पार, उन्होंने सामने का शॉट खेला क्योंकि बाउंड्री सामने छोटी थी। इस गेंद पर तो छक्का आ गया, मैच जिंदा था, एक गेंद पर चार रनों की दरकार थी। कुछ इस तरीके से सबकी नजरें जडेजा पर थी, लेग साइड पर गेंद रखी मोहित शर्मा ने, जडेजा ने सिर्फ गेंद को ढकेल दिया और बगल के नीचे से बाउंड्री पर चली गई गेंद और जडेजा ने चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला जिता दिया। गुजरात टाइटंस फाइनल हार गई, चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेटों से आईपीएल 2023 जीत गई और 5 बार अब चेन्नई के नाम आईपीएल का खिताब आ चुका है आईपीएल इतिहास में। लेकिन दोस्तों आप जडेजा की इस फिनिशिंग को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक।